नटराजन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बतौर नेट गेंदबाज गए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें एक के बाद एक तीनों प्ररूपों में डेब्यू करने का मौका मिल गया। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। तेज गेंदबाज टी नटराजन ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के साथ बतौर नेट गेंदबाज पहुंचे थे। आज से शुरू हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच में नटराजन को डेब्यू करने का मौका मिल गया। इसके साथ ही वह एक ही टूर पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। 29 वर्षीय नटराजन ब्रिस्बेन की टेस्ट में 300वां खिलाड़ी बन गए जिन्हें टेस्ट कैप हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नटराजन ने टेस्ट मैच में अपना पहला विकेट मैथ्यू वेड को आउट करके लिया। वहीं नट्टू यहां नहीं रुके। नटराजन ने शतक वीर मार्नस लबुशेन को भी आउट कर ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका दिया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में चोटों से जूझ रही है। टीम में कई खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। इस मैच में दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। नटराजन के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। आईसीसी ने ट्वीट कर नटराजन को टेस्ट क्रिकेट में स्वागत किया है। आईसीसी ने ट्वीट किया है कि टेस्ट क्रिकेट में आपका स्वागत है टी नटराजन, एक ही दौरे पर तीनों प्ररूपों में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए।